नमस्कार, स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, निम्न में कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। दोस्तों, इसका विकल्प नंबर एक है नाइट्रोजन। निम्न में कौन सा नाइट्रोजन के लिए सत्य नहीं है? यह समूह सबसे अधिक विद्युतात्मक है, डी कक्षक उपस्थित है, अधातु है, आणविक अक्ष छोटा है। इसका आंसर होगा बंधन के लिए डी कक्षक उपस्थित है, बी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या तीन की ओर चलते हैं। वर्ग 15 के तत्व सामान्यता कहलाते हैं हैलोजन, निकोजन, समांतर, प्रारूपी तत्व। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए। इसका विकल्प नंबर बी सही होगा, निकोजन। निम्न में से कौन से अर्धातु है? नाइट्रोजन, आर्सेनिक, सल्फर, आयोडीन, अर्धधातु। दोस्तों, इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, जल्दी से बताएं। इसका विकल्प नंबर बी सही है, आर्सेनिक। निम्न में अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ। बिस्मथ। दोस्तों, छठवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा संकर यौगिक नहीं बनाता? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ। नाइट्रोजन, ई नंबर। अधिकतम अस्थायी हाइड्राइड है, सातवां प्रश्न। अमोनिया, PH3, ASH3, BIS3। अधिकतम स्थायी हाइड्राइड है BIS3, ये आपका बिस्मथ वाला। आठवें नंबर प्रश्न में नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार का कारण है, चार विकल्प हैं, जल्दी से बताएं। विकल्प नंबर डी, ये सभी। छोटा आकार, उच्च विद्युतात्मकता, संयोजी कोष, डी कक्षकों की अनुपस्थिति, बहुबंधन निर्माण में आसानी, ये सभी डी नंबर। नौवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। NCl जल अपघटित होकर देता है NOCl, N2, NOHCl, NH3, SOCl, N2ONH3। बताइए जल्दी से, NCl जल अपघटित होकर देता है, जल्दी से बताएं। दोस्तों, इसका विकल्प नंबर सी, NH3, HOCl। दसवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमोनिया के निर्माण में हैबर प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक है सूक्ष्म विभाजित निकिल, सूक्ष्म विभाजित मॉलिब्डेनम, लोहा, ये सभी, जल्दी बताएं। सूक्ष्म विभाजित लोहा, लोहा उत्प्रेरक है, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक होता है। दोस्तों, अभिक्रिया N2+3H2 2S3, डेल्टा एच बराबर -93.6 kg का उत्पादन नहीं बढ़ता, जब दाब बढ़ता है ताप कम किया जाता है, दाब कम किया जाता है, अभिक्रिया बर्तन का आयतन बढ़ाया जाता है। विकल्प नंबर इसका सी सही है, दाब कम किया जाता है। अमोनिया और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को शुद्ध से नाइट्रोजन को शुद्ध किया जा सकता है, सांद्र HCl से प्रवाहित करके, पायरोगैलोल को क्षारीय विलयन से प्रवाहित करके, H2O4 K2SO2R2O7 के विलयन से प्रवाहित करने पर, KOH विलयन प्रवाहित करने पर, जल्दी बोलो भाई। अमोनिया और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की शुद्धियों से नाइट्रोजन को शुद्ध किया जा सकता है, सी नंबर, 12वें का सी नंबर, H2O4 K2Cl2 वाला। अमोनिया को शुष्क किया जा सकता है, अमोनिया को शुष्क किया जा सकता है, जल्दी से बताएं। चार विकल्प हैं, सांद्र HCl से प्रवाहित करके, P4O10 से, CaO से, CaCl2 से। इसके विकल्प गायब हो गए, मैं बता दे रहा हूँ, H2O4, P4O10, CaO, CaCl2। CaO मतलब चूना से, कैल्शियम क्लोराइड से, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से, सल्फ्यूरिक एसिड से। अमोनिया को शुष्क किया जा सकता है, तेरहवा है, तेरहवा एक सी नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड चूने से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर कह रहा है NH3 को शुष्क करने के लिए प्रयोग करते हैं, NH3 को शुष्क करने के लिए प्रयोग करते हैं, जल्दी से बताओ। NH3 को शुष्क करने के लिए प्रयोग करते हैं, जल्दी से कमेंट करें। ए नंबर, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट को जिंक तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रम करने पर NaNO2, NH3, NO2, N2O प्राप्त, क्या प्राप्त होता है भाई? भैया सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3, NaOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? बी नंबर, NH3 प्राप्त होगा। कौन सा हाइड्राइड प्रबलतम क्षार है? SH3, NH3, PH3, SBS3, NH3। NH3 का क्वथनांक PH3 से अधिक होता है, क्यों? चार विकल्प है, पढ़िए उत्तर दीजिए। क्योंकि NH3 जो होती है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती, इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। अमोनिया की क्रिया क्लोरीन के अधिक से कराने पर क्या बनता है? क्लोरीन के अधिक से कराने पर दोस्तों क्या बनता है? N2+HCl। वैसे क्या बनता है? NH4Cl NCl3। कमी में अगर होगी तो NH4Cl NCl3, N2+HCl।
चलिए आगे चलते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन अधिक डालने पर गहरे नीले रंग का संकर लवण बनता है, इसका सूत्र क्या है? इसका विकल्प नंबर बी CuNH3 का होल पूरे से फोर। निम्न में कौन सा प्रसिद्धक है? NH3 CO2 SO2 CO NH3। नाइट्रोजन किसको गर्म करने पर उत्पन्न होती है? HNO3 NH4Cl NH4 NH3 NH4Cl + NO2। NH4NO3। नाइट्रोजन किसको गर्म करने प्राप्त होता है? NH4NO3। अमोनियम क्लोराइड को बर्तन साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। NH4Cl एक वाष्पशील यौगिक है। NH4Cl धातु के साथ मिलकर एक घुलनशील जटिल यौगिक बनाता है, मिलकर टूट जाता है, उनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर विकल्प नंबर इसका सही है सी। धातु के साथ मिलकर करने पर NH3 टूट जाता है। HNH बंध बनता है, कितने अंश का कोण बनाता है? NH3 NH2। अमोनिया अणु में जो NH2 वाला होता है, कितने अंश का कोण बनाता है? इसका डी नंबर विकल्प दिख नहीं रहा दोस्तों, इसका डी नंबर में विकल्प बता दे रहा हूँ, 106 अंश 25 मिनट, यही सही होगा। 106 अंश 25 मिनट। कौन सा कथन सत्य है? NH3 एक लुईस क्षार है। NH3 के संरचना त्रिकोणीय समतली है, अपचायक नहीं है, विलायक है। इसका विकल्प नंबर बी सही है, संरचना त्रिकोणीय समतली है। हंसाने वाली गैस है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, पहला नंबर विकल्प सही है। N2 के संदर्भ में सत्य कथन है, हंसाने वाली गैस है या नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है या रेखीय अणु नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे कम क्रियाशील है। दोस्तों इसका विकल्प नंबर सही है सी, यह एक रेखीय अणु नहीं है। बेटा यह रेखीय अणु है, गलत बोल रहा है। NH4NO3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? चार विकल्प जल्दी से बोलो। NH4NO3 को गर्म करने का क्या प्राप्त होता है जल्दी से बोलो। NH4NO3 को गर्म करने पर दोस्तों बताइए जल्दी से क्या प्राप्त होता है? डी नंबर N2O तथा H2O। कौन से दहन में सहायक है? NH3 N2O NO2 N2O दहन में सहायक गैस, बी नंबर N2O। निम्न में से किस अम्ल में आक्सीकारक अपचायक तथा संकर बनने का गुण होता है, बनाने का गुण होता है? HNO3 H2O4 HCl HNO2 डी नंबर, दोस्तों डी नंबर HNO2। शान नाइट्रिक अम्ल शर्करा को निम्न में आक्सीकृत करता है? CO2 H2O CO H2O CO CO2 H2O ऑक्सैलिक अम्ल। विकल्प नंबर डी ऑक्सैलिक अम्ल और जल। दोस्तों शेयर करो जल्दी से, फटाफट शेयर करो सभी लोगों। गुड इवनिंग सभी साथियों, क्लास को शेयर करते जाए फटाफट, क्लास को थोड़ा स्पीड में करवा लें ताकि क्वेश्चन ठीक ठाक हो जाए, अच्छे क्वेश्चन हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। कौन से धातु H3 को H2 के साथ मुक्त करता है? इसका आंसर है दोस्तों सी नंबर मैंगनीज। नाइट्रिक अम्ल का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? NH3 N2O NO2। नाइट्रिक अम्ल का हल्का पीला रंग होता है बेटा NO2 के कारण। शान नाइट्रिक अम्ल की धात्विक टीन के साथ क्रिया से उत्पन्न होता है स्टेनिस नाइट्राइड, स्टेनिक नाइट्रेट, स्टेनिक नाइट्रेट, जलीय स्टेनिक ऑक्साइड। 33 कड़ी जलीय स्टेनिक ऑक्साइड। HNO3 का एनहाइड्राइड है। HNO3 से अगर H2O निकाल दें तो क्या बचेगा दोस्तों? जल्दी बोलो। N2O5 सी नंबर। जब शांत H3O को P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो बनता है निर्जलीय कारक, बेटा N2O5 बनेगा, सीधी सी बात है। 35 का डी नंबर। H3O की अभिक्रिया आयोडीन से होने पर बनता है आयोडिक अम्ल बनता है दोस्तों, सीधी सी बात है। इसमें सी नंबर है HIO3 HOIO2। जब जिंक अति HNO3 से क्रिया करता है तो प्राप्त होने वाले उत्पाद है NO NH4 NO3 NO2 NH2 या H2। बी नंबर NH4 NO3। अम्लराज तो बहुत पढ़े हो बेटा, अभी इसको ना बताए भाई, बेकार है। 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 3 भाग HNO3 1 भाग HCl H3PO3 H2O4। बताओ कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर
ए। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 को अम्लराज कहते हैं। निम्न में से कौन सा नाइट्रस अम्ल नाइट्रिक अम्ल का मिश्रित एनहाइड्राइड है? नाइट्रस अम्ल नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल तो जानते हो ना बेटा, HNO2 HNO3। इसका मिश्रित एनहाइड्राइड क्या होगा? इसका मिश्रित एनहाइड्राइड है NO2। ओस्टवाल्ड प्रक्रम में HNO3 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है बेटा। ओस्टवाल्ड प्रक्रम, ओस्टवाल्ड में से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण पढ़ाया था, जिन दोस्तों ने पढ़ा वो दे पाएंगे। इसमें प्लेटिनम की जाली प्रयोग करते हैं, तो डी नंबर सही होगा। तो जिन बच्चों ने पढ़ा वही दे पाएंगे इसका जवाब। 41 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करता है? जिसका सी नंबर विकल्प है, मैग्नीशियम। जब त्वचा HNO3 के संपर्क में आती है तो पीली हो जाती है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन जंतु प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है, अम्ल जल को हटा देता है, त्वचा जल जाती है, नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। दोस्तों इसका एक ही आंसर है, प्रोटीन जंतु प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है, तभी HNO3 के संपर्क में त्वचा पीली हो जाती है। दोस्तों 42 प्रश्न हो गए हैं, लगभग 55 प्रश्न आज होने हैं, 55 प्रश्न होने हैं। एक्वा फोल्टिस है HNO3 HNO2 H2NO2 H2N2O2 एक्वा फोल्टिस HNO3 HNO3 होता है एक्वा फोल्टिस। देखो इसमें संकरण के क्रम बताने हैं, NO2+NO3- NS4+ में N का संकरण क्रम। तो बेटा इसका विकल्प नंबर डी सही होगा, SP3 SP SP2। फास्फोरस का निर्माण करने के लिए भट्टी में गर्म करते हैं, हड्डियों की राख सोडियम क्लोराइड और कोयला, हड्डियों की राख सिलिका और कोयला, हड्डियों की राख सिलिका और चूना, हड्डियों की राख कोयला और चूना। बी नंबर, हड्डियों की राख सिलिका और कोयला। पीला फास्फोरस किस में रखा जाता है? जल, ईथर, एल्कोहल। पीला फास्फोरस किस में रखा जाता है? जल, एल्कोहल, ईथर। दोस्तों पीला फास्फोरस जो होता है वो रखा जाता है जल में। माचिसों में कौन सा प्रयुक्त होता है? सफ़ेद फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, ए व बी दोनों। दोस्तों आपने पढ़ रखा, जल्दी जवाब दे, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, काला फास्फोरस, ए व बी दोनों। दोस्तों इसका विकल्प और विकल्प सिर्फ और सिर्फ सही है सी नंबर, लाल फास्फोरस। माचिस की तिली के ऊपर का मिश्रण होता है, जल्दी बोलो, K2Cl2O7+सल्फर। इसमें तो ये सही हो, K2Cl2O7+सल्फर+ सफ़ेद फास्फोरस, माचिस की तिली के ऊपर यही लगता है। कौन सा पदार्थ वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है? सफ़ेद फास्फोरस, CH4H2O NaCl। ए नंबर, सफ़ेद फास्फोरस। आर्थो फास्फोरिक अम्ल को 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद है P2O5 PS3 H3PO3 SPO3। डी नंबर दोस्तों, SPO3। हड्डियां देने में चमकती हैं क्योंकि उनमें चमकीला पदार्थ होता है, उनमें लाल फास्फोरस होता है, सफ़ेद फास्फोरस लाल फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, सफ़ेद फास्फोरस वायु में धीरे धीरे जलता है। दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, सफ़ेद फास्फोरस वायु में धीरे धीरे जलता है। फास्फोरस में कौन सा अपारूप सबसे अधिक क्रियाशील है? लाल, पीला, काला, बैंगनी। बी नंबर, पीला। फास्फोरस की परमाणुता है 1 2 3 4, कितने परमाणु है फास्फोरस? P4 लिखते हो ना, अच्छा बताओ कितने परमाणु होगा? अब भी नहीं बता पा रहे, P4 कितने परमाणु होगा? 4, 1 2 3 4, विकल्प नंबर 4। PS3Cl2 के साथ मिलाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया संभव है? देख लो भैया, 4 विकल्प हैं, बताओ। PCl5 तथा HCl बनते हैं तथा मिश्रण ठंडा हो जाता है, पहला विकल्प भी सही है। 55 प्रश्न कराने थे, 55 प्रश्न कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। मैंने थोड़ा स्पीड में दोस्तों करवाया है, आप लोग एक काम करिएगा, शुरू से देखिएगा एक बार फिर से, और आप लोग अपनी कापी में प्रश्न नोट करना, फिर उसका उत्तर नोट करते जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड पेपर में आने आने, प्लस आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाने हैं। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और नए साथी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोग अभी कम संख्या में यहाँ पर हो, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को यहाँ पर जोड़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, सभी साथियों को गुड इवनिंग पहले ही बोल दिया था, अब जाते जाते गुड नाइट भी बोले दे रहे हैं, गुड नाइट सभी साथियों को, जय हिंद जय भारत। दोस्तों क्लास को शेयर करिए, मैं एक बार इसको स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट लेते जाएँ सभी क्वेश्चन की। चलिए आपने आप शुरू से चालू करिएगा, फिर देख लीजिएगा जाके स्वयं।
उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल इसी टाइम से पुनः। जय हिंद, जय भारत।